मेजर शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर तो बनी हुई हैं, दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो साथ में लगातार दौड़ रहे थे, वो इस इच्छा के साथ दौड़ रहे थे कि आखिर तक बस साथ रहना है और अभी भी अपने बीच से जाने नहीं देना चाहते। अभी चूंकि पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, थोड़ा सा इन तस्वीरों को बता देते हैं, मेजर शाह से मैं बात करूंगी। गाड़ी से नीचे उतारा गया है पार्थिव शरीर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, और अब आगे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। जो आखिरी रिचुअल्स जो परिवार के जरिए पूजा संपन्न की जाएगी, उसके बाद आगे अंतिम संस्कार की तैयारी है और पहले से सब कुछ इंतजाम रखा गया है। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल्स भी हैं तो निश्चित दूरी भी बनाए रखनी होगी और ये लोगों से दरख्वास्त की गई है कि चेहरे से मास्क ना उतरे। इन तस्वीरों को हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेजर शाह अपने हीरो को आखिरी सलाम देते हुए, उन लोगों की भीड़ वहीं पर थम गई चूंकि प्रोटोकॉल से इजाजत नहीं देते, लेकिन जहन में तस्वीरें हमेशा रहेंगी। जी हाँ बिल्कुल, इसके मैंने फरमाया कि जो शहीद होते हैं, जो शहादत प्राप्त करते हैं, वो मरते कभी भी नहीं है, सदा अमर रहते हैं। और जिस तरीके से आप विजुअल देख रही हैं वहाँ पे और हम सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो जी हाँ, जिसमें दिखाता है कि वो कह रहे हैं जन बिपिन रावत साहब सदा अमर रहे, तो उसे दिखाता है कि बिल्कुल कभी भी, मतलब फौजी आदमी जो है वो असली हीरो है। और आप देख रहे हैं दुनिया भर के चाहत है ऐसी, दुनिया उनको मतलब सबको अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा की फिक्र है। तो जो लोग क्या होते हैं कि तो फिल्मों में देखते हैं बॉलीवुड, लेकिन लगे यहाँ पे रियल लाइफ में वो देख रहे हैं कि रियल लाइफ हीरो, जो वर्दी वाले हीरो हैं। और बिपिन रावत साहब के साथ जो हमारे जो 12 लोग शहीद हुए हैं, उनकी जो धर्म पत्नी मधुमिता रावत जी भी जो शहीद हुई हैं, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे आपको पुष्प की अभ्यर्थना सुनाई थी वो कविता, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत दुखद बात है। और जी हाँ अच्छा जी, जो विजुअल आप देख रहे हैं, मगर उनकी लाइफ मैं कहता हूँ सेलिब्रेट की जानी चाहिए। वो ऐसे महान हस्ती थे, वो हिस्ट्री में जाएंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। एक फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी हैं, उन्होंने कहा था ब्रिटिश आर्मी से, उन्होंने कहा था कि जो एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करता है वो जनरल नहीं बनता, अक्सर आमतौर पर वो जनरल नहीं बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, टॉप जनरल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो शोक में है पूरा देश अभी रसा जी। जी जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं। मेरे साथ लगातार दो खास मेहमान बीएन झा साहब और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़े हैं। मेजर शाह, मतलब उनका योगदान फ्रंट पर तो रहा ही था, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से फौज में सुधार किया जाए, किस तरीके से वेल इक्विप्ड फौज को किया जाए और किस तरीके से सेना के तीनों अंगों में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उसमें भी जनरल रावत की आउटस्टैंडिंग मतलब भूमिका रही थी। समझ मुझे लगता है कि शायद उनकी बिल्कुल अलग थी इसको लेकर, बहुत क्लियर सोच वाले शख्स थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखे ये इतिहास गवाह है कि कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती, एक टीम वर्क होता है। जैसे 71 की लड़ाई में डॉक्टर लोंगेवाला में दिसंबर फर्स्ट वीक में हमने हमारे 120 बहादुर जांबाज फौजी पंजाब बटालियन रेजिमेंट के तैनात थे, जब दुश्मन का टैंक आया उन्होंने लड़े वो, लेकिन आखिर तौर पे एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट आके उन्होंने बचाया आर्मी को। उसी तरीके से हमारी नेवी ने भी कराची पोर्ट को बम्बार्ड किया था, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ मिलकर लड़ रहे। अब ये जब इंटीग्रेट हो गए मेजर शाह, बस मुझे 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 थोड़ा सबक दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसी को मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन उस वक्त जनरल बिपिन रावत की बेटी उन्हें अंतिम सलाम करते हुए, चार रैंक के चार ऑफिसर ऐसे हो गए जो कि साथ साथ भारत के लिए काम कर रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, वो इतिहास की चीजें अभी ये हैं, लोग इसको हमेशा के लिए याद करेगा। जी बिल्कुल। मेजर शाह, आप जनरल रावत को एक एक कैसी शख्सियत, एक कैसे अफसर के रूप में याद करेंगे? जो ट्रू लीडर होता है, जो ट्रू देशभक्त होता है, जिनको परवाह होती है केवल अपनी ही नहीं, अपनी तो खैर अपने वालों की नहीं, दूर खैर वालों की भी। और जब मैं नागालैंड में इनके घर पे जब डिनर किया था, इनकी वाइफ और ये थे, तब इनकी जो बेटी थी उनको ये गई थी
नागालैंड में लोकल्स के पास बिना प्रोटेक्शन के आप पे कितना भरोसा था कि भाई उनका कोई बिगाड़ा नहीं, गुडविल उनका जनरेट किया था। तो एक ऐसी मेजर शाह, मैं एक मिनट में बस आपके पास आ रहा हूं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को एक ही साथ, मतलब एक ही जो चिता है उसमें लिटाया गया है, उनको साथ रखा गया है, क्योंकि अंतिम वक्त में वो दोनों साथ थे। जब ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ तो दोनों साथ ट्रेवल कर रहे थे उस हेलीकॉप्टर में जो हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ था। तो बिल्कुल इस अंतिम वक्त में भी, इस अंतिम संस्कार के वक्त में भी दोनों के पार्थिव देह को साथ में रखा गया है और दोनों का अंतिम संस्कार भी बिल्कुल साथ में ही किया जा रहा है। मेजर शाह जी, तो ये एक बॉस कम और एक लीडर थे, जिनको मालूम है, जिनको दूरदृष्टि, जिनको दिखता था कि ऐसा होता है, एक आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लास, लेकिन एक नारियल की तरह बाहर से कठोर, अंदर से उतना ही नरम, एक नारियल होता है वैसा। तो बिल्कुल इनको मैं, ये इनको दुनिया परंपरा हमेशा याद रखेगी कि इनका जो योगदान रहा है देश के प्रति, फौज के प्रति, अपने स्टाफ और हर एक को बाय नेम जानते थे। ये नहीं किसी को बुलाना हो, किसी को भी, कितने लोग हैं, कैसे नाम याद रखेंगे लोगों के, सबके नाम याद नहीं होते। ये नहीं, ओए लड़के यहाँ ऐसे नहीं, अली सुना बेटा, बड़े प्यार से, विनम्रता से, और मिसेस रावत भी, मतलब इन, मतलब हम लोग एक बार पूना गए थे जब ये सदर्न आर्मी कमांडर थे, मेरे फादर, मदर और मैं, तो वहां पे इनके एडीसी और हमने साथ में डिनर किया था ये घर में, सदर्न आर्मी कमांडर थे। अरे वो हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटैलिटी, जो चार्ज के भाई अपने खुद के हाथ से, मैडम सर, मतलब दोनों, मतलब ऐसी शख्सियत आना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है सच में, मतलब। और ये बात अच्छी है कि भाई ये इंस्पायर कर गए लोगों को, और आज की तारीख में इतने फोन आ रहे हैं मेरे पास कि लोग घर पे भी आ रहे हैं, मैं उनको टपक के दे पा रहा हूँ लाइव, और चाहते हैं वो कहते हैं सर हम भर्ती हो रहा है, और उससे दो में ज्यादा बढ़कर ये है जब हमारे लीडर हमारे साथ में ना हो और पूरी टीम, हम सब देश मिलकर बोले ये जीत आपकी है जनरल साहब, ये जीत जो भी आज देश यहाँ पर है वो हमारे जनरल साहब की जो डिफेंस है उनकी बदौलत है। लोग उनको पसंद करें कई लोग, और कई लोग उनके मुखालिफ भी हो, हैरानी हो रही है कि कुछ बहुत कम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी है कुछ एक मुखालिफ जो थे भाई, उनको मैं कहूंगा जब शो बनता है तब हम अच्छी बातें करते हैं लोगों की, और वो वैसे ही इतने ऐसी शक्ति मजबूत, बिल्कुल जैसे फौज की सिपाही होते हैं ना, बिल्कुल डटे हुए, बिल्कुल निडर, शेर की तरह, टाइगर की तरह जी। और मैं हमेशा तुलना करता हूँ कि उनके वो जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग थ्री कोर, जो कि नागालैंड दीमापुर में है, मैं बार बार उसका एग्जाम्पल दूंगा, थ्री कोर में, क्योंकि मेरा खास लगाव है थ्री कोर से। मैं एडीसी, जैसे ब्रिगेडियर लीडर साहब हमने देखे, वो उनके एट स्टाफ ऑफिसर थे, वो उनके एमए थे, मिलिट्री एडवाइजर थे, वैसे एडीसी होता है जो जीओसी के साथ हर वक्त रहता है, उनका साया बन के एक तरीके से। तो मैंने एडीसी टू जीओसी का टेन्योर काटा था जनरल रावत साहब के साथ, नहीं दूसरे, लेफ्टिनेंट जनरल रविउद्दीन शाह साहब, जो कि फौज के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर पे आए बाद में जी। अब लेकिन जनरल बिपिन रावत साहब उसी पोजीशन में आए ना बाद में एज जीओसी थ्री कोर, और उस वक्त मैं उनको मिलने आया, सर मैं यहाँ पे एडीसी था पहले, जो खातिर करी, जो मेहमान नवाजी करी, जिस तरीके जो इज्जत अफजाई करी, तो ऐसे आदमी का आना भैया बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मैं आपकी तहे दिल से मेहरबान और आप शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, आप लोग कवर करने में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये वो दृश्य आप लोग दिखा रहे हैं जो कि आज देश देखना चाहता है। हर किसी का दिल रो रहा है, हर किसी का दिल टूट गया है, हर कोई बिखरा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा, जिंदगी और जिंदगी में आना और जाना तो भाई होता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जय बिपिन रावत साहब
अपनी वर्दी में गए, अपने बूट पहन के गए, अपनी टोपी पहन के गए, इज्जत से गए, अपनी धर्म पत्नी जीवन साथी के साथ गए। ऐसा जीवन मिलना, ऐसा दुनिया छोड़ना भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कितने कुछ अच्छे काम उन्होंने किए, जाहिर सी बात है, इसी के लिए पीसफुली शांतिपूर्वक इज्जत से और सदा अमर हो गए। तो मैं बिल्कुल अतिशक्ति मान जी हमेशा करता हूँ, जो कि जीओसी थ्री कोर से पहले जिनके अंदर मैंने काम किया था, वो इनके काफी थॉट प्रोसेस काफी हद तक लगभग सेम एक तरीके से किए। भाई खुद एक अच्छा काम आप कर पाएंगे, खुद तभी आप हुक्म दे पाएंगे ना कि आप अच्छा काम करो। आपको वो काम ही नहीं आता, आप दूसरों को क्या बोलोगे? तो वो ऐसी शख्सियत थे कि वो अच्छा काम करे फिर वो लोगों को बोले देखो ये काम मैं कर सकता हूँ, अभी तुम ये करके दिखाओ। वो लीडरशिप, और कभी भी प्रेशराइज नहीं करना किसी को, या पायलट को किसी को कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, सब अपना अपना काम जानते हैं। और एक किस्सा मेरे को और एक और याद आ रहा है, उन्होंने कहा था भाई एक बार कहीं पे वो कहीं ऑपरेशन पे गए थे, उन्होंने एक टीम बड़ी अच्छी घटी तैयार कर दी और उसके बाद उन्होंने उनको सब कुछ। अगर आप एक अच्छी प्लानर हैं, एक अच्छी टीम तैयार करते हैं, तो भाई सबके सब अपने आप अपना काम जानेंगे, आपको माइक्रो लेवल सुपरवाइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरल बिपिन रावत साहब ऐसी शख्सियत थे जिनकी वजह से भारतीय डिफेंस आज जो ताकत में है, मैं मैक्सिमम क्रेडिट उनको दूंगा जी।